चलिए इसी के साथ एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां यूपी कैबिनेट की बैठक आज सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। बजट सत्र के बाद पहली कैबिनेट बैठक आज ओबीसी आयोग द्वारा सौंपी रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ ही निकाय चुनाव के लिए भी अर्जी मिल सकती है। तो बड़ी बैठक इसे बताया जा रहा है, कैबिनेट की बैठक आज है। सुबह 11 बजे से बैठक की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। आपको बता दें, बजट सत्र के बाद पहली कैबिनेट बैठक है ये। इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश कुमार उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। अविनाश, आज यूपी कैबिनेट की बैठक है, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज यूपी कैबिनेट की बैठक है, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और लोक भवन के अंदर यह 11 बजे बैठक होगी, जिसमें ओबीसी के जो आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई है उसको लेकर, जिस तरीके से लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां चल रही थी उसको लेकर जो लोग, जो भी पार्टियां थी वो कोर्ट तक गए थे और इसका जो ओबीसी आयोग द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ को कर सौंपी गई है, उसको लेकर आज कैबिनेट की ये बैठक होगी और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर फैसला हो सकता है। जी, कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव के लिए भी इस बैठक में अर्जी मिल सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर जो सभी दल थे लगातार सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे थे और कोर्ट तक जा रहे थे, अर्जियां दे रहे थे कि जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण का जो मामला चल रहा था उसको लेकर लगातार सभी दल एक थे कि इससे कोई फैसला आए। लगातार जिस तरीके से योगी सरकार में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो फैसले हो रहे थे उसको रिपोर्ट की तरफ से ओबीसी आयोग द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसको योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया है और आज इसी को लेकर जो बैठक होने वाली है इस पर अर्जी लग सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश से आपको खबर बताई, जहां आज कैबिनेट की बैठक है, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी और 11 बजे से बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें, खास बात यह भी है कि बजट सत्र के बाद ये पहली बैठक है, तो कई बिंदुओं पर चर्चा इस बैठक में होना संभव है।